सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ चेक यूट्यूब चैनल को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HDFC के क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानेंगे कुछ उसके फीचर्स के बारे में, साथ ही हम जानेंगे इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग, आप देख रहे हैं सेल्फ चेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में HDFC की जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ, उस क्रेडिट कार्ड का नाम है भारत क्रेडिट कार्ड। हाँ फ्रेंड्स, HDFC की तरफ से आने वाले एक ऐसे क्रेडिट कार्ड का जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको अर्न कैशबैक ऑन एवरीडे स्पेंड्स। तो हम जानते हैं कुछ इसके अच्छे फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, फिर हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे इसकी फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो कैटेगरी ए में है ट्रेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में हम बात करेंगे कैटेगरी ए में आता है इसके ट्रेवल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है गेट 5% कैशबैक मंथली कैशबैक व्हेन, गेट 5% मंथली कैशबैक व्हेन यू बुक टिकट थ्रू IRCTC। अगर फिर से आप IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो आपको 5% मंथली कैशबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, IRCTC करने के बदले आप ट्रेन की टिकट नहीं, IRCTC से फ्रेंड्स आप फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं IRCTC फ्लाइट ऐप के थ्रू। तो कहने का मतलब ट्रेवल के लिए अगर आप 5% कैशबैक मिलेगा आपको मंथली। अब बात आती है फ्यूल। हाँ फ्रेंड्स, आपको फ्यूल में भी इसमें कैशबैक की कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको 5% मंथली कैशबैक मिलेगा ऑन फ्यूल एक्सपेंस पे। एंजॉय सेविंग विद 5% मंथली कैशबैक ऑन फ्यूल एक्सपेंस पे। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्यूल पे जो खर्चा करोगे उसमें 5% मंथली कैशबैक है। गेट 1% सरचार्ज वेवर कर दिया जाएगा, सेव अप टू 250 रुपए एवरी बिलिंग सर्कल। गेट 1% सरचार्ज वेवर एंड सेव अप टू 250 इन द एवरी बिलिंग साइकिल, मिनिमम ट्रांजेक्शन ऑफ 400। अगर आपको 400 के मिनिमम ट्रांजेक्शन आप करते हो तो 1% जो आपको सरचार्ज लगेगा वो भी इसमें वेव कर दिया जाएगा, और जो अप टू होगा 250 होगा 1% के हिसाब से, तो एवरी बिलिंग सर्कल में। अब बात करते हैं ग्रोसरी के बारे में। तो ग्रोसरी में भी फ्रेंड्स आप सेविंग कर सकते हैं 5% की। तो कहने का मतलब चाहे फ्यूल हो, ग्रोसरी हो और चाहे बिल पेमेंट्स हो, तो इनमें आप सब में आपको 5% का कैशबैक मिलता है। और जो कैशबैक मिलने की जो कैटेगरी होगा, आप बिल पेमेंट एंड मोबाइल रिचार्ज फ्रॉड करते हो भारत क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 5% मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है 5%। कैटेगरी बी में आता है पेमेंट्स प्लेटफॉर्म। क्योंकि पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, अगर इन पेमेंट्स प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हो तो कैटेगरी बी में भी आपको 5% का कैशबैक मंथली मिलेगा। चाहे आप इनके पेजेप हो, EGMI हो, स्मार्ट बाय हो, अगर आप इन 3 प्लेटफॉर्म से अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 5% एवरी स्पेंड पर भी मिलेगा। जो कैटेगरी ए में मैक्सिमम कैशबैक पर मंथ कैटेगरी ए का रेट है 150 रुपए से कम्बाइंड होगा, और कैटेगरी बी का मैक्सिमम कैशबैक पर मंथ जो बी का होगा 150 रुपए वो भी कम्बाइंड होगा। ऐसे करके कुछ इनकी ऐसी कंडीशन है जो इनको आप इनको पढ़ सकते हैं इनको यहाँ पे पहुंच करके। अब बात आती है सेफ्टी। हाँ फ्रेंड्स, इस कार्ड में सेफ्टी भी दी हुई है। स्टे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथोराइज्ड यूज व्हेन योर शॉप एनीवेयर विद EMV चिप कार्ड टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्रेडिट के बारे में। तो आप अवेल कर सकते हो अप टू 50 इंटरेस्ट फ्री डेज। कहने का मतलब हर क्रेडिट कार्ड में जो 50 डेज होते हैं वो तो मैक्सिमम या 50 डेज किसी भी क्रेडिट कार्ड में हम अवेल कर सकते हैं जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया है। बिलिंग साइकिल के थ्रू ही हम उसको 15 डेज अवेल कर सकते हैं। कहने का मतलब जिस भी दिन आपका अगर बिल जनरेट होता है, जैसे कि कहने का मतलब आपका 18 तारीख को, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 18 तारीख को बिल जनरेट होता है, अगर आप 18 को जो ट्रांजेक्शन करते हो, जो बिल जनरेट आपका एक मतलब एक टाइमिंग के हिसाब से आपका बिल जनरेट हो चुका है, बिल जनरेट होने के बाद जो आप ट्रांजेक्शन करोगे नेक्स्ट मंथ के बिल में जो आपका इंक्लूड होगा उसमें आपको 15 डेज मिलते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आपने जैसे कि जो कोई ट्रांजेक्शन 18 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, अगर आपने 17 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें आपको जो 17 तारीख को आपने किया है 18 को आपका बिल बन गया, तो एक दिन बाद आपका बिल जनरेट हो गया। बिल जनरेट होने के बाद जो आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि ऑलमोस्ट आपको 18 को बिल जनरेट हुआ और आपको महीने की जो अगली तारीख आने वाली है 5 या 6 को आपको बिल पे करना होता है, ड्यू डेट होती है, तो इसमें आपको 15 डेज नहीं मिलेंगे।
15 डेज तभी मिलेंगे आपको बिल जनरेट होने के बाद। अगर आप पैसा खर्च करते हो जो नेक्स्ट मंथ बिल आएगा उसको आपको टाइम मिलेगा पे करने की, ड्यू डेट होगी तो उसमें आपको 15 डेज मिलते हैं। अब बात आती है एनुअल सेविंग। भाई कैशबैक तो देता है पर सेविंग कितनी होगी इसकी एनुअल वो भी तो जानना एक मेन पॉइंट है। तो सेव एनुअली अप टू आप 3600 रुपए, कहने का मतलब 3600 आप सिंपली यूजिंग योर HDFC बैंक भारत क्रेडिट कार्ड से आप एनुअली सेविंग कर सकते हो 3600 रुपए की। 3600 के आप एनुअली सेविंग कर सकते हो भारत क्रेडिट कार्ड को यूज करके। अब जानते हैं टाइप ऑफ हम स्पेंड के बारे में, जो उसके स्पेंड होंगे उसकी कैटेगरी क्या होगी। तो टाइप ऑफ स्पेंड है मंथली एंड स्पेंड है एनुअली स्पेंड एंड 5% कैशबैक। चाहे आप IRCTC, फ्यूल, ग्रोसरी, पेजैप, इजी EMI, स्मार्ट वाइफ, टोटल कैटेगरी भी हो तो इसमें आप अलग अलग कैटेगरी से आप कर सकते हैं। जैसे कि इनका कहने का मतलब है, जो इन्हें समझाने के लिए सीट हमें दी हुई है, अगर आप IRCTC पे 800 रुपए मंथली का स्पेंड करते हो, फ्यूल पे 800 रुपए मंथली का स्पेंड करते हो, ग्रोसरी पे 800 आप स्पेंड करते हो, बिल एंड पेमेंट्स 500 इनका जो अनुमान ने लगाया हुआ है, तो टोटल कैटेगरी में आपने 2900 रुपए मंथली खर्च किया हुआ है, 36000 आपका एनुअली खर्च हो गया है, तो 1800 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। 3600 का 5% आपको 1800 का कैशबैक मिलेगा। अब जो कैटेगरी बी में, जो कैटेगरी बी जैसे कि पेज ऐप हुआ, EMI हुआ, स्मार्ट बाय हुआ, इनमें आप मिनिमम 1000 रुपए के ट्रांजेक्शन करते हैं तो 12000 रुपए टोटल होता है 36000। 36000 में आपको इसमें 1800 का कैशबैक मिल जाएगा, टोटल आपको कैशबैक जहाँ हो जाता है 3600 रुपए, टोटल कैशबैक आपका 3600 रुपए हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। भारत क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया काफी अच्छा है, किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। जो HDFC की तरफ से जो क्रेडिट कार्ड, जो भारत क्रेडिट कार्ड है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है शायद ही इससे कहीं इससे अच्छी एलिजिबिलिटी अगर हमें किसी और क्रेडिट कार्ड या किसी और ऐसे बैंक की तरफ से मिले। तो आइए हम इसको समझते हैं इसके बारे में। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इन्हें एलिजिबिलिटी बनाई हुई है, कोई स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। तो वेल आपको स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अगर जो लोग सोच रहे हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड जो स्टूडेंट को मिलने वाला है तो वो गलत है। इन्हें क्लियरली लिखा हुआ है सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, टू कैटेगरी में टू कैटेगरी के लोगों को ही क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। जो सैलरीड है जिनकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, सैलरीड एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर दोनों की एज 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम अगर आप लोग की कैटेगरी में आते हो, चाहे आप सेल्फ जॉब करते हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। अगर आप 21 साल से कम हो, अगर आप फिर भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो और आप स्टूडेंट भी हो अप्लाई करना चाहते हो, तो आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, जो कम से कम 18 साल से ऊपर देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप 18 ईयर्स के भी हो तो आप एक्सिस में अप्लाई कर सकते हो, आपको क्रेडिट कार्ड वहां से मिल सकता है। तो बात करते हैं हम सैलरीड की। 21 से अगर 60 साल 21 साल से लेकर 60 साल के बीच अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम 12000 होनी चाहिए। 12000 की सैलरी ठीक है यार, ग्रॉस सैलरी 12000 हो सकता है फ्रेंड्स, ये मतलब काफी कम कंडीशन है 12000। इससे मैं हम सब पॉइंट कहूंगा यार 12000 ग्रॉस मंथली इनकम होना नॉर्मल बात है फ्रेंड्स, किसी की भी हो सकती है। और जो स्टार्टिंग सैलरी हम कह सकते हैं 12000 हो सकता है, चाहे कॉर्पोरेट हो, MNC कंपनीज की हो, या नॉर्मल कोई भी जॉब हो यार, 10 से 12000 से तो स्टार्टिंग हो सकता है नॉर्मल। तो अब बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयड की एज 21 से लेकर 65 होनी चाहिए। आपको 65 तक का आपको लिमिट दी गई है, कहने का मतलब अगर आप 60 साल से ऊपर में अप्लाई करते हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में, एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आना चाहिए, जिसमें आपके इनकम का जो ITR 2 लाख पर एनुअम होना चाहिए। 2 लाख पर एनुअम फ्रेंड्स मेरे ख्याल से काफी कम है, 16,000 के समथिंग। चलो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर ले, इसको नई कैटेगरी से कैलकुलेट करेंगे गूगल क्रोम से। आप भी देखिए स्ट्रक को यहाँ पे डिवाइड कर देना है 12 से, तो आ चुका है 16,666.6667 समथिंग राउंड फिगर में। वही 17,000 बीच का राउंड फिगर ले सकते हैं, वो एवरेज कहने का मतलब वही है। 16 से 17,000 के बीच, 16,500 के बीच में अगर आपकी सैलरी है, मतलब कहने का मतलब आप ITR भरते हो उसका मिनिमम, कम से कम फ्रेंड्स जितना तो ITR प्री ITR में भी दिखा सकते हो, 2,16,000 जो मतलब आपको एंडिंग नहीं करते हो तो क्या ITR सब भर सकते हो, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। एलिजिबिलिटी काफी अच्छी है, चाहे वो एक बिजनेसमैन के लिए हो या वो सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड पर्सन के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी फीस एंड चार्जेस के बारे में। जो इसका फीस एंड चार्जेस भी एक अच्छा पॉइंट होता है किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले हमें पता होना चाहिए, जो हम क्रेडिट कार्ड पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी फीस एंड चार्जेस में क्या है। मेंटेनेंस है, जो एनुअली मेंटेनेंस है और कब और कैसे कुछ मेंटेनेंस को विवर कर रही है वो कंपनी को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो खामो का आप ज्यादा मेंटेनेंस वाला भी कार्ड ले सकते हो, जो आपके यूजेस में नहीं है फिर आप ज्यादा
उसी साल ले सकते हो। अब हम बात करेंगे भारत क्रेडिट कार्ड की फीस एंड चार्जेस के बारे में, जिसको अर्न कैशबैक और रेगुलेटेड स्पेंडिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। इसकी ज्वाइनिंग फीस एंड रिन्यूअल मेंबरशिप फीस 500 है प्लस एप्लीकेबल एंड टैक्सेस होंगे। तो कहने का मतलब इनके 500 रुपए आपको जब आप ज्वाइनिंग या आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे, जब कार्ड आपको आ जाएगा पहले बिलिंग सर्कल में आपको 500 आपको पे करना होगा, बिल में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इसकी 500 ज्वाइनिंग फीस है। और जो मंथली जो एनुअली जो रिन्यूअल होगा कार्ड, एनुअली जो मेंटेनेंस है इसका 500 है। तो हम जानते हैं 500 तो है तो उसको क्या वेव भी किया जाता है, तो उसको देखते हैं। सेकंड फ्रेंड्स नोट्स लिखा हुआ है स्पेंड कम से कम फ्रेंड्स आप 20,000 कम से कम 20,000 इन द 12 मंथ्स। एक साल में अगर आप 20 कार्ड इस कार्ड को एक्टिवेशन करने के बाद, जिस दिन आपने एक्टिवेट किया इस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए, उस दिन से काउंट होगा आपका एक साल। तो 20,000 आपने खर्च कर दिए 12 महीनों के अंदर, तो गेंट रिन्यूअल द फ्रीज वेव्ड हो जाएगी आपकी नेक्स्ट ईयर की। कहने का मतलब कि आप इसको फ्री मेंटेनेंस वाला कार्ड भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब नॉर्मल यार 20,000 तो खर्च किए जा सकते हैं। वेल एक अच्छा फोन भी अगर लेने जाते हैं तो 12-13 हज़ार का फोन, अगर EMI और उससे भी अच्छा अगर मैं फोन चाहिए तो 25-30 हज़ार का भी फोन हो सकता है। तो यार इससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो आप लोग, चाहे वो एड मनी कर सकते हो पेटीएम वगैरह में, नॉर्मली स्पेंड कर सकते हो पेमेंट वगैरह। तो ठीक है 20,000 एक नॉर्मल है जो व्यूड हो जाएगी, ये भी एक अच्छी बेस्ट पॉइंट है इस कार्ड के बारे में। और यहाँ से आप इसको क्लियर करके ऑल एंट्री चार्जेस को भी जान सकते हैं। अब बात हम करते हैं इसकी GST के बारे में, जो GST इफेक्टिव होगी, GST कितनी इफेक्टिव होगी। GST में 18% में जो 18% आपको देने होंगे, जो रिन्यूअल फीस में भी आपको मेंटेनेंस में भी 18% लग सकता है 500 प्लस 18%। मेन जो फीचर्स थे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं एक कार्ड किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड्स वेल एक कार्ड हर किसी को अप्लाई करना चाहिए, काफी अच्छा एक क्रेडिट कार्ड है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं तो फ्लिपकार्ट का यूज करता हूं, मैंने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया हुआ है। इन द फ्यूचर में इसको अप्लाई करूंगा लॉकडाउन हटने के बाद, और मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी बताऊंगा कि कार्ड में यूज करके भी आपको पर्सनली बताऊंगा लॉकडाउन जैसे हटने के बाद मैं इस कार्ड को अप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए ऐसे चैनल में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार, क्या जाता है लाइक करने में, एक लाइक करने में जोर से दबा दो उस लाइक का बटन। और साथ ही अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें यार, ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो एंड यूजफुल वीडियो को देखने के लिए।